हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज में। मैं बहुत बार कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हो कि पिगमेंटेशन की समस्या के लिए एक अच्छी सी रेमेडी लेके आइए, होममेड रेमेडी जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत ना हो और वो असरदार भी हो। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जिसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का, और बहुत ही ज्यादा असरदार है ये रेमेडी। एक बार जब आप यूज करोगे तो आपको खुद पहली ही वरी में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बताती हूं कि मेरी बातों में बिलीव करने की जरूरत नहीं है, पहले यूज कीजिए चीज को, अगर आपको अच्छी लग रही है कंटिन्यू कीजिए, और अगर अच्छी लगती है तो चैनल पे आकर के मतलब थोड़ा सा भी हमें भी हिम्मत मिलती है कि जो हमारी हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं वो आपको अच्छी लगती है। तो उस चीज के लिए लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही जब आपको मेरी कोई रेमेडी अच्छी लगे तो वापस चैनल पे आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, देख लेते हैं कि क्या रेमेडी है, कैसे बनानी है और लगानी कैसे है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ये मसूर की दाल। कहीं भी आपको राशन की शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी, और ये देखिए कुछ इस तरह की होती है। ये जो दाल है ये आपके पिगमेंटेशन की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं उनको लाइटन करता है, साथ ही आपकी स्किन के पोर्स को श्रिंक करती है, चेहरे को टाइट करती है। अगर आपकी स्किन जो है झुर्रियां पड़ रही हैं तो उस केस में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये मान के चलिए कि चेहरे की जितनी भी आपको समस्याएं हैं ना, उन सब के लिए एक रामबाण इलाज है, और ये वाला पैक जो है ना आपको जरूर यूज करना चाहिए। आप इसे स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं, पैक की तरह यूज कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपको स्टोर करके रखनी है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इस तरह से चीजों को ड्राई रखिए। मतलब अगर आप इसको सोक कर लोगे तो फिर आप इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो। सर्दियां हैं आजकल तो 2 से 3 दिन तक ही आप स्टोर कीजिएगा, इससे ज्यादा दिन तक आपको स्टोर नहीं करना है। और अगर आपने बहुत दिनों तक, जैसे मान लीजिए हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए रखना है, तो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो पहला आपने ये देख लिया कि ये मसूर की दाल है। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ये चावल। तो चावल जो है ये मैंने मतलब जो हमारे खेतों में उगते हैं ना वो वाले लिए हैं, तब आपको इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, और मोटा चावल हम इनको बोलते हैं लोकल में, ऑर्गेनिक चावल हैं ये। और अगर आपके पास इस तरह के नहीं हैं तो दूसरे जो बासमती चावल होते हैं आप वो भी ले सकते हो। और अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप इस फॉर्म में मतलब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस करके मिक्सर जार में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। अदरवाइज जब हम इसको भिगाएंगे तो आपको इसे फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना है। चावल की बात बताएं तो चावल में जो है स्टार्च काफ़ी हाई क्वांटिटी में होता है। यह आपके चेहरे के स्कार्स को, आपके दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन की समस्या के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। बहुत बार मैं पहले भी आपके साथ रेमेडी जो है चावल के आटे के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो चावल मैंने लिए हैं और ये लिए है मसूर की दाल। तो अगर आपको बहुत दिनों तक स्टोर करके रखना है तो इक्वल क्वांटिटी में लेकर के आप इसे पीस करके मिक्सर जार में रख सकते हो एक एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी आपको यूज़ करना है तो फिर आप अपने मतलब एक बारी के लिए जब आपको यूज़ करना है तो एक चेहरे के लिए 1 चम्मच काफ़ी होती है। मान लीजिए अगर आप दोनों को मिक्स करके रख रहे हो स्टोर करके, तो 1 चम्मच आपने लेनी है। तो किस चीज़ के साथ आपको इसके मिक्स करना है और क्या है वो तीसरी चीज जो हमें इस रेमेडी में यूज करनी है, वो है आपका कच्चा दूध। कच्चा दूध मतलब कि इसे मैंने बॉईल नहीं किया है। जब आपको दूध बॉईल करना होता है तो उससे पहले आप थोड़ा सा मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, 1 चम्मच के करीब भी आप साइड में रख लीजिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। आप इसे मतलब अगर बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं भी करना है तो कच्चे दूध में आप 1 पिंच जो है 1 चम्मच में 1 पिंच नमक डालिए, और उससे आप डेली अपने चेहरे को कॉटन पैड की हेल्प से साफ कीजिए। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे होंगे ना, बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। आप एक बार ट्राई करना, दी बेस्ट सॉल्यूशन है कच्चा दूध, क्योंकि कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड काफी हाई क्वांटिटी में होते हैं जो कि स्किन को लाइटन करते हैं। अगर आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बा है तो वो चीज भी आपकी फिर टाइम टू टाइम जो है साफ होती जाती है। आप ट्राई करना और रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि मैं किस तरह से पैक बना रही हूं।
क्योंकि मुझे फ्रेश ही पैक बनाना है और उसे फ्रेश ही लगाना है। तो मैं देखिए, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कारगर तरीका है। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, बहुत सारे उपाय आपने करके देख लिए हैं लेकिन असर नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला उपाय आप करके देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितना असर आपको भी मिला। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक चम्मच ले ली है चावल की और एक चम्मच ले ली है ये मसूर की दाल की। तो एक एक चम्मच मतलब बराबर क्वांटिटी में मैंने चीज़ों को लिया है। और अब क्या करना है कि इसे पहले अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे ताकि कोई डर्ट्स, कोई भी गंदगी इसमें ना रहे। तो चावल को और मसूर की दाल को अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है और अब इसको देखिए मुझे रखना है रात भर भिगो करके। देखिए, आप पहले भी मैंने आपके साथ रेमेडी शेयर की थी तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर भिगो करके रखेंगे तो दूध जो है फटने का डर रहता है। तो इस रेमेडी को जब आपने भिगो करके रखना है तो आप इसे फ्रिज में रखिए। और आजकल ठंड है तो बाहर भी चल जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और देखिए, भिगोने के लिए हमें जितना कर मतलब ये थोड़ा डीप हो जाए इतना कर हमें यहाँ पे दूध लेना है। कच्चा दूध मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये देखिए बस इतना सा ही आपको ये लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये भी आपको दिख रहा है इस वक्त, लेकिन जब आप इसको ओवरनाइट रखोगे तो ये सुबह तक मतलब जो चावल और ये मसूर की दाल है बहुत सारा दूध ये सोख लेंगे और ये फूल के थोड़ा बड़े बड़े भी हो जाएंगे। तो इसे आपको रखना है ओवरनाइट। ओवरनाइट भिगोने के बाद आपको सुबह ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा दूध बच जाता है वो इसको अच्छी तरह से पीसने के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि है कच्चा आलू। तो आलू को मैंने यहाँ एक टुकड़ा ही इसका यूज़ करना है, तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और अब इसे काट लूँगी छोटे छोटे पीसेज में ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सर जार में पीस सके। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्सर जार में पीस लेंगे और पीसने के बाद इस तरह का पेस्ट जो है एक बन के रेडी हो जाएगा। तो बस ये हमारी रेमेडी बन के तैयार है। तो ये रही हमारी रेमेडी, और रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो फेस वॉश करके मैं अभी आई हूँ और बस अब आपको क्या करना है, इस तरह से लीजिए और अब रेमेडी को अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे। इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसे एज अ स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हो और फिर इसे पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्क्रब की तरह इस्तेमाल करने के लिए पहले आपने इस तरह से इसे अप्लाई कर लेना है और फिर हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि आपके चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और जो आपकी ये झाइयों की समस्या है, जब आपके फेस पे अच्छी तरह से ब्लड फ्लो करेगा तो धीरे धीरे से आपकी ये समस्या भी खत्म होती जाएगी। इसके अलावा फिर एज अ पैक यूज करने के लिए आप इस तरीके से अच्छी तरह से इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। मेरी रेमेडी जो है ना थोड़ी सी हल्की सी दरदरी मुझसे पीसी है और अगर आपने बहुत अच्छी तरह से फाइन अगर इसका एक पेस्ट की तरह तैयार किया गया है तो फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपके फेस पे चिपक जाएगी। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पे लगा रहने देना है और फिर ठंडे पानी से आप अपना चेहरा अच्छी तरह से वॉश कर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और चौथा इंग्रेडिएंट आपका ऑप्शनल है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि विटामिन सी हमारे दाग धब्बों को लाइटन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और ये चीज आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।